हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। निम्नलिखित में से कौन AIBA एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? AIBA मींस इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओरिजिनली जो इसका नाम था वो था एसोसिएशन इंटरनेशनल दे बॉक्से एमेच्योर, दूसरी लैंग्वेज में है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है AIBA के एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ AIBA एथलीट कमीशन? तो सरिता देवी जी को जो है निर्वाचित किया गया है AIBA के एथलीट कमीशन के रूप में। लेशराम सरिता देवी इनका नाम है, मणिपुर से ये मुक्केबाज हैं और 2009 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मुक्केबाज हैं सरिता देवी, जिनको कि AIBA एथलीट कमीशन के सदस्य रूप में निर्वाचित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड, मिट्टी से बनने वाली जो आर्ट है, रेत से जो बनने वाली आर्ट है, वो इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 जीता? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019? तो वो हैं सुदर्शन पटनायक जी। सुदर्शन पटनायक जी ने महात्मा गांधी की 10 फुट ऊंची रेत की प्रतिमा बनाई थी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2014 में, 2014। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिसेरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सिसेरी ब्रिज? तो सिसेरी ब्रिज का इन्होंने उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी सियांग जिले, ये अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सियांग जिले में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है। 200 मीटर लंबा ये पुल है। निम्नलिखित में से किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट? तो झारखंड हाईकोर्ट डॉक्टर रवि रंजन बने हैं अभी झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 13वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये वहाँ के। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पहले जज थे, वहाँ से अब ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्हें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। अनिरुद्ध बोस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने के बाद मई 2019 से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था, जिसकी जगह रवि रंजन जी ने ली है। तो सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए आपके, कौन से न्यायाधीश हैं वहाँ के, पहले कहाँ थे पंजाब हरियाणा में, और किन्होंने उन्हें शपथ दिलाई, द्रौपदी मुर्मू ने, और अनिरुद्ध बोस की उन्होंने जगह ली है। राष्ट्रीय मिशन निष्ठा कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर हैज नेशनल मिशन निष्ठा बीन लॉन्च्ड? तो निष्ठा जो है जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षण समग्र उन्नति पहल है, ये टीचर्स के लिए है मेनली। किस भारतीय खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में रखा गया है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? तो जो है दूती चंद को रखा गया है नेक्स्ट लिस्ट में, सबसे प्रभावी 100 व्यक्तियों की ये एक सूची है जो कि टाइम्स मैगजीन ने बनाई है। 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं दूती चंद। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में 2 रजत पदक भी इन्होंने जीते थे। किस देश के उपग्रह हायाबुसा 2 ने रयोगु नाम के एक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू की? विच कंट्री सैटेलाइट हायाबुसा 2 हैज स्टार्टेड एज जर्नी टू रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम एन एस्ट्रॉयड नेम्ड रयोगु? तो किसने शुरू की, कहाँ का है ये जो उपग्रह है, वो जापान का उपग्रह है। हायाबुसा 27 जून 2018 को रयोगु क्षुद्र ग्रह पर पहुँचा था। रयोगु क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट मौजूद है, यह अपोलो समूह का क्षुद्र ग्रह है। इससे सौर प्रणाली से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन किन स्थान पर आयोजित किया गया? रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वाज हेल्ड इन विच प्लेस? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में हेल्ड हुआ था। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इसको जो है लागू किया था इसका। तो ये वो स्लाइड है जिसमें मैं बताता रहता हूँ आपको कि ये सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ये सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज स्वोन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट? त्रिपुरा हाई कोर्ट के अकील अब्दुल्ला ने ली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये पहले। जस्टिस कुरैशी ने ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भूमिका के कारण वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिन के पुलिस की हिरासत में भेजा था। तो यही वो अकील अब्दुल्ला हैं जिन्होंने अमित शाह को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। छठे आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस स्थान पर आयोजित की गई? सिक्स एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? तो ये कहाँ पर हुई? ये थाईलैंड में हुई, बैंकॉक में आयोजित की गई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में इसको आयोजित किया गया था। 17 देशों के रक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। वर्ष 2018 के लिए अकीकनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अकीकनेनी नागेश्वर राव नेशनल अवार्ड फॉर 2018 के लिए श्रीदेवी को पुरस्कार दिया गया। किस राज्य ने अरुंधति योजना के तहत दुल्हनों को मुफ्त में 1 तोला सोने देने की मंजूरी दी? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड 1 तोला गोल्ड टू ब्राइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अंडर अरुंधति स्कीम? तो कौन सा राज्य है? वो है राज्य असम। विवाह का पंजीकरण विशेष विवाह असम नियम 1954 के तहत करवाना होगा, इसकी कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही है जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए ये स्कीम है, ये कंडीशन है इन स्कीम के लिए। द रोर ऑफ द सी एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की गई? वेयर हैज़ द रोर ऑफ द सी एक्सरसाइज बीन कंडक्टेड? तो रोर ऑफ द सी जो है दोहा में कंडक्ट की गई और ये भारत और कतर के बीच में कंडक्ट की गई। INS त्रिखंड और पेट्रोल विमान P-81 भाग लेंगे इस जो है द रोर ऑफ द सी एक्सरसाइज में। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि के रूप में होगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट ऑन 71st रिपब्लिक डे 2020? तो कौन होगा? तो जायर बोल्सनारो जो हैं चीफ गेस्ट होंगे 2020 के गणतंत्र दिवस के, और ये जो हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बाली यात्रा त्यौहार मनाया? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड बाली यात्रा फेस्टिवल? तो जो है ओडिशा में ही मनाया जाता है बाली यात्रा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो आती रहेंगी।